सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को लॉन्च करने के लिए तैयार है, और इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि नए इंडक्शंस और अपग्रेड्स के साथ एयरफोर्स अपनी यूएवी फ्लीट को भी मजबूत करने पर काम कर रही है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नई यूएवीज को इंडक्ट किए जाने के साथ साथ उनके अपग्रेड पर भी काम किया जाएगा। और उन्होंने ये बात मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान युद्ध के बदलते हुए तरीकों पर बात करते हुए कही है, जिसपे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और इनके लिए इंडियन एयरफोर्स की क्या तैयारियां हैं। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स डिफेंस फोर्सेस के एक रिजिड थियोटराइजेशन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट एसेट्स और एफर्ट्स जो कि पहले से काफी कम है वो डिवाइड हो जाएंगे। बता दें कि थिएटराइजेशन का मतलब है इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज आर्मी नेवी और एयरफोर्स की स्पेसिफिक यूनिट्स को एक ही थिएटर कमांड के अंडर प्लेस करना, और इसलिए इंडियन एयरफोर्स एक रिजिड थिएटराइजेशन के पक्ष में नहीं है। हालांकि एयरफोर्स चीफ ने ये भी स्पष्ट किया है कि इंडियन एयरफोर्स भले ही रिजिड थिएटराइजेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इंटीग्रेशन के खिलाफ हैं। और बाकी फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की कमी को देखते हुए उन्होंने ऐसे ही 6 और एयरक्राफ्ट्स को खरीदने की जो प्रोसेस है उसे ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और जिसके तहत एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जा चुका है, और जल्दी इसके लिए आरएफपी भी जारी की जाएगी। और इंडक्शन प्रोसेस इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव प्लान के तहत होगा, और सर्विस में नई यूएवीज को इंडक्ट किए जाने के साथ साथ वर्तमान समय में फ्लीट में जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनको भी अपग्रेड किए जाने पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही सर्विस में जो नई यूएवीज को इंडक्ट किए जाने पर विचार किया जा रहा है उनमें स्मॉल टू मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि यूसीएवीज भी शामिल हैं। और उनका ये भी कहना था कि मेक इन इंडिया के तहत भी इसके ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इस साल के अंत तक मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 के जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। और अब इसी के साथ कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो तेजस MK2 का नाम है ये इसका फाइनल नेम नहीं है, बल्कि इस साल के अंत तक जब इस फाइटर के लिए इसके कॉन्फ़िगरेशंस को फाइनल किया जाएगा तभी इस एयरक्राफ्ट को एक नया नाम भी दिया जाएगा। यानी कि ये तेजस MK2 के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि इसे एक नया नाम मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फाइटर तेजस फाइटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। यूएन जनरल असेंबली ने एक नए वोटिंग अरेंजमेंट के तहत अगले महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शंस कराने का फैसला लिया है। और जो कि दुनिया भर में जो पैंडेमिक चल रहा है उसके चलते इस बार के इलेक्शंस बिना किसी प्लेनरी मीटिंग के सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किए जाएंगे, और एशिया पैसिफिक ग्रुप से एकमात्र उम्मीदवार होने की वजह से इसमें भारत की सीट पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सीमा पर चाइना के साथ विवाद अभी भी जारी है, और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीमा पर चाइना 24/7 अपने इरादों को पूरा करने के लिए 3 अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ रहा है, एक मीडिया वॉर, एक साइकोलॉजिकल वॉर और एक लीगल वॉर। हालांकि चाइना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वे इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लेंगे, और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना का ऐसे समय पर बयान आना ये इस बात को साबित करता है कि चाइना को ये समझ आ चुका है कि लद्दाख में LAC पर इंडियन आर्मी उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से चाइना की इन हरकतों को लेकर तैयार थी। और जबकि वर्तमान समय के इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, जिन्हें चीन से जुड़े मामलों में महारत हासिल है, उन्होंने स्थित वॉर कॉलेज में कमांडेंट के तौर पर चाइना के इसी वॉर कैंपेन जोन नीति पर एक रिसर्च पेपर भी जारी किया था। यानी कि ये वही पॉलिसी है जो चाइनीज आर्मी लद्दाख में अपनाना चाहती थी। और जब इंडियन आर्मी चीफ ने अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि किस तरीके से चाइना की जो ये वॉर जोन कैंपेन डॉक्ट्रिन है इसमें जो भविष्य के युद्ध होंगे वो छोटे होंगे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ऐसे ही लिमिटेड वॉर लड़ने होंगे, और ये युद्ध भले ही छोटे होंगे यानी कि कम समय के लिए होंगे लेकिन ये बहुत तेज होंगे, यानी कि दुश्मन जब तक संभल पाए युद्ध को खत्म भी कर दिया जाएगा। और जैसे कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपने रिसर्च पेपर में जिक्र किया था, चाइना ने बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसी लद्दाख में अपनाने की कोशिश की थी लेकिन इसमें चाइना को कहीं भी सफलता नहीं मिली, और इंडियन आर्मी चीफ ने 2012 में इस रिसर्च पेपर को जारी किया था।
आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक एनकाउंटर में दो आतंकियों को ढेर किया गया है। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर 29 मई को एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और आज सुबह 30 मई को इसी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ से पहले आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फोर्स पर फायर करना जारी रखा और फिर जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के एक्शन में इन दोनों आतंकियों को ढेर किया गया और बाकी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भारत के एक और क्वाडकॉप्टर को शॉट किए जाने का दावा किया गया है और इस बार उनका कहना है कि भारत का एक क्वाडकॉप्टर कंजरवान सेक्टर में करीब 700 मीटर अंदर तक आया था फिर जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ने उसे शॉट किया। हालांकि पिछले बार की तरह इस बार उन्होंने भारत के इस क्वाडकॉप्टर की पिक्चर को पोस्ट नहीं किया है और हमारे हिसाब से इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं कि या तो पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ने उस क्वाडकॉप्टर को ऐसा शॉट किया कि उसका नामो निशान ही नहीं बचा या फिर ये कि पिछले बार की तरह इस बार भी उनके इस फेक प्रोपेगेंडा की पोल ना खुल जाए तो इसके चलते उन्होंने पिक्चर को ही पोस्ट नहीं किया क्योंकि जब भारत का कोई स्पाई ड्रोन एलओसी के पार गया ही नहीं तो वो पिक्चर भी कहां से लाएंगे क्योंकि हर बार तो वो अपने ही चाइनीज ड्रोन को शॉट करके तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से जो उनकी इकोनॉमी है वो और भी बुरी तरीके से हिल सकती है। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अपने कैंप्स को स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी घाटी में जमीन खरीदने के लिए तैयार है और जिसके तहत पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंडियन आर्मी ने बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन को इस जमीन खरीदने की प्रोसेस के लिए अप्रोच किया है और जिसमें उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में करीब 6.5 हेक्टेयर जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और इस जमीन में इंडियन आर्मी अपने कैंप्स को स्थापित करेगी क्योंकि अभी तक नॉर्थ कश्मीर के इन जिलों में इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो अस्थायी रूप से रह रहे हैं और इसलिए इस क्षेत्र में अपने ट्रूप्स के परमानेंट रहने के लिए इंडियन आर्मी यहां पे जमीन खरीद के कैंप्स को स्थापित करेगी। और बाकी इसके अलावा अभी दो दिन पहले एजुकेटर और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने सभी देशवासियों से चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है और आप उनकी ये वीडियो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उन्होंने ये वीडियो खास करके चाइना के साथ सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर बनाई थी जिस पर उनका ये कहना था कि सामान्यतः जब सीमा पर कोई तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर रात में सो जाते हैं कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे लेकिन मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं देंगे बल्कि ये दो तरफा जवाब होगा और इसमें सैनिकों के साथ साथ सभी भारतीय नागरिक भी शामिल होंगे और इस बार चाइना को सबक सिखाने के लिए बुलेट पावर से ज्यादा वॉलेट पावर की बात उन्होंने कही है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हम अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को ही मारकर चाइना से हर साल करीब 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और हमारे इसी पैसे का इस्तेमाल चाइना अपने वेपन्स बनाने के लिए करता है जो कि हमारे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए उन्होंने सभी देशवासियों से चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की अपील की है। और हम भी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना हो सके आप भारत में ही बना सामान खरीदें और चाइना में बने हुए सामानों का बहिष्कार करें। हमें मालूम है कि ये एकदम से करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आज के समय में हम इन चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि इनसे उभरने में हमें समय लगेगा लेकिन कम से कम हम इसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। और बाकी एक बार आप सोनम वांगचुक की वीडियो जरूर देखें। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान MMRCA 2.0 डील पर पूछे गए सवाल पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि सारे मेजर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट्स मेक इन इंडिया के तहत ही किए जाएंगे और MMRCA 2.0 डील के तहत जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं ये प्रोग्राम पूरी तरीके से मेक इन इंडिया होगा जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करा के भारत के भविष्य की योजनाओं में फायदा देगा। और बाकी इस MMRCA 2.0 डील के लिए जो RFI जारी की गई थी उसके शुरुआती रिस्पांस प्राप्त किए जाने के बाद सभी वेंडर्स के साथ एक डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है और जिसके लिए SOC अंडर फाइनलाइजेशन है। और जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से हम 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स के स्ट्रेंथ को हासिल करेंगे तो उनका कहना था कि फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स की डिलीवरी को तेज करने के लिए DPSUs प्राइवेट सेक्टर और MSMEs को इफेक्टिव तरीके से मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटीज में प्लेस करने की जरूरत है और ऐसा करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एविएशन इकोसिस्टम को बहुत सफलतापूर्वक और बहुत तेजी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जबकि उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम में डायरेक्टेड एनर्जी या फिर लेजर वेपन सिस्टम जैसी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज पर भी विचार कर रही है। और स्वदेशी फाइटर जेट इंजन पर उनका ये कहना था कि भविष्य के एयरक्राफ्ट के लिए DRDO को पार्टनरशिप के तहत एक सुटेबल फाइटर इंजन को विकसित करने के तरीके को ढूंढना होगा। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।